नमस्कार नेशन न्यूज देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ उत्कर्ष कुमार। हमारे पीछे देख रहे हैं कि आज मानव श्रृंखला बनाई गई है जहां पे तेजस्वी यादव और महागठबंधन के नेता शामिल हैं। जो ये मानव श्रृंखला है ये पटना जंक्शन के स्थित बगल में जो बुद्ध स्मृति पार्क है वहां से लेके गांधी मैदान तक जाएगा। और हमारे सामने आप विजुअल के माध्यम से देख सकते हैं कि कितनी लंबी कतार लगी हुई है और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के साथ महागठबंधन के काफ़ी नेता है यहां शामिल हैं। हम कैमरामैन को कहेंगे कि आप हमारे दाएं तरफ भी दिखाएं कितनी लंबी जो कतार है जो यहां से गांधी मैदान तक जाने वाली है। और साथ ही साथ जितने भी महागठबंधन के कार्यकर्ता हैं, चाहे वो आरजेडी के हों, चाहे वो भाकपा माले के हों, चाहे वो कांग्रेस के हों, सभी लोग शामिल हैं। महिलाएं भी बढ़ चढ़ के भाग ले रही हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है महिला प्रथम किसान है। मैम कहाँ से आई हैं आप? मैं पटना से हूँ। देखिए जो तीनों कृषि कानून है उसमें जो खामियां है उसे लागू, और हमारी तो पूरी तरह से मांगे है कि तीनों कानून को आप रद्द करें। जो किसानों पे जो बड़बड़ लाठी चार्ज की गई है उसकी आप जांच कराएं, और जो नेताओं को बंद किया गया है उस नेताओं को बाहर करें, और जो किसान आंदोलन को लगातार आप देख रहे होंगे मीडिया में गलत तरीके से प्रोट्रेट किया जा रहा है कि ये प्रायोजित आंदोलन है, इसमें कोई खास तबके के लोग शामिल हैं, तो इस तरह की जो एक्टिविटीज वो सरकार कर रही है इसको बंद कीजिए। आया है उसका महागठबंधन विरोध करने आज सड़क पर उतरा है, और किसानों को जो दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हुए हैं उनके समर्थन में ये मतलब की मानव श्रृंखला है। और पूरे भारत में आज जो आज किसान आंदोलन बोल रहे हैं वो अब किसान आंदोलन नहीं रहा, ये जन आंदोलन का रूप लेने जा रहा है, और आगे चल के पूरे देश के लोग इस निकम्मी सरकार के खिलाफ, इस बेईमान सरकार के खिलाफ जो किसानों को आंसू रुला रही है उसके आंसू के एक एक बूंद का यहाँ की जनता सब हिसाब लेगी। आप बताइए कृषि कानूनों का विरोध किया जा रहा है, क्या कुछ कहना होगा, क्या कुछ कहना है कृषि कानूनों का खिलाफ? आप लोग यहाँ पर जो है मानव श्रृंखला बनाकर समर्थन कर रहे हैं और किसान का समर्थन कर रहे हैं, सरकार का विरोध कर रहे हैं, क्या कुछ कहना है इस पे? देखिए जब तक अगर किसान बिल वापस नहीं लेगी सरकार तो अब सड़क से सदन तक जाएंगे। अब हम लोग दिल्ली कुछ करेंगे तेजस्वी जी के नेतृत्व में, समझ गए? जब तक बिल वापस नहीं लेगा लगातार हम लोग संघर्ष करते रहेंगे, इनको वापस लेना होगा, हम लोग इंतजार कर देंगे, एकदम अंतिम चरण तक लड़ेंगे जहां तक लड़ना होगा। बहुत शुक्रिया। तो देख रहे हैं आप यहां पर महागठबंधन के नेता कार्यकर्ताओं का कहना है कि सड़क से सदन तक जाने की बात वो कह रहे हैं, दिल्ली कूच करेंगे अगर इस कृषि कानूनों का जो है उसे वापस अगर नहीं लिया गया तो वो दिल्ली कूच करने की बात कर रहे हैं। फिलहाल कैमरामैन के साथ प्रणव के साथ मैं ऋतिक पटना से लाइव।